केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे वह शहर के नक्षत्र गार्डन पहुंचे, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय का पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा था। कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात के बाद उन्होंने कुछ देर चर्चा की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पंजाब और अन्य राज्यों में कांग्रेस को लेकर चल रही उठापटक को लेकर कहा कि कांग्रेस आंतरिक कलह से त्रस्त है और कांग्रेस का नेतृत्व अप्रासंगिक हो चुका है। किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर जो भी बात होती है, उस मामले में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मत है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक और किसानों के इस निर्णय के लिए किए गए फैसले किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए किए गए हैं। किसान आंदोलन के कुछ यूनियन से हमारे 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन उन्हें हमारे प्रस्ताव पसंद नहीं आए, इसलिए हमने उन्हें फिर कहा है कि वो अपना प्रस्ताव लेकर आएं, उस पर भी विचार किया जाएगा। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर नरेंद्र सिंह तोमर मुस्कुरा कर आगे बढ़ गए। कांग्रेस आंतरिक कलह से त्रस्त है और कांग्रेस का नेतृत्व तो अप्रासंगिक हो चुका है। उसकी परिणति पंजाब में और देश भर में कहीं कहीं दिखाई देती है। नहीं, मैंने कहा ना कि कुल मिला के कांग्रेस का नेतृत्व तो अप्रासंगिक हो गया है और कांग्रेस जगह जगह आंतरिक कलह से त्रस्त है, उसके परिणाम स्वरूप ये सब घटनाएं घट रही हैं। सर, पंजाब के डेवलपमेंट से सर किसान आंदोलन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? आपको लगता है कि सीएम चेंज होंगे? देखिए, दरअसल क्या है, किसान के बारे में जो बात होती है उस मामले में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा स्पष्ट मत है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक और किसानों के हित के निर्णय लिए गए, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही है। किसान प्रसन्न महसूस कर रहा है, किसान मुनाफे में आ रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो मोदी जी के आने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करना शुरू किया गया। MSP भी बढ़ी और MSP पर खरीद भी बढ़ी। खेती के क्षेत्र में जो गैप्स बाकी थे, उन गैप्स को भरने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड घोषित किया गया, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव राज्य सरकारों ने हमको प्रस्तुत किए और बैंक्स ने 5,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, उस पर काम प्रारंभ हो गया है। किसान क्रेडिट कार्ड हो, PM किसान सम्मान निधि योजना हो, उसके माध्यम से भी किसानों की आय में सहायता हो रही है। PM किसान सम्मान निधि में 11.5 करोड़ किसानों को 1,58,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में अभी तक जाना अपने आप में ऐतिहासिक है। जहाँ तक कृषि सुधार कानूनों का सवाल है, पूरा देश कृषि सुधार कानूनों के साथ खड़ा हुआ है। जहाँ तक कुछ यूनियन का सवाल है, उन यूनियन से सरकार ने 11 दौर की वार्ता की है, उनको हमारा प्रस्ताव पसंद नहीं आया तो हमने उन्हें कहा है कि वो दूसरा उनका कोई प्रस्ताव हो तो लेकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।